जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रिंट मीडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि आखिर इस प्रिंट मीडिया का मतलब क्या है, यानी कि प्रिंट मीडिया क्या होता है और इस प्रिंट मीडिया का यूज क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर यह प्रिंट मीडिया क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रिंट मीडिया बेसिकली एक जरिया होता है, एक तरीका होता है मास कम्युनिकेशन करने का। मास कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है एक ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर किसी इंफॉर्मेशन या किसी नॉलेज को हजारों सैकड़ों लोगों तक पहुंचाना हो, यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप तक किसी इंफॉर्मेशन को या किसी कम्युनिकेशन को जब करना होता है तो उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन को आज के समय में प्रिंट मीडिया के जरिए भी किया जाता है। प्रिंट मीडिया का सीधा सा और सरल मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके जरिए कोई कम्युनिकेशन हो रही हो, कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो, वो हमारा प्रिंट मीडिया के अंदर आता है। अब बात करें इसके उदाहरणों की, तो यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर आज के समय में और पुराने समय में भी जो प्रिंट मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। मास कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं उपकरण के तौर पर इसको देखा जाता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़पेपर की हजारों कॉपीज निकाली जाती हैं और उन हजारों कॉपीज में सेम कॉन्टेंट रहता है, सेम मटेरियल रहता है, सेम इंफॉर्मेशन रहती है, जिसको बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पर पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा हमारी बुक्स हो गई, जहां पर एक बुक को आप कितने भी लोगों को तक दे सकते हैं, कितने भी लोग उसको बुक को पढ़ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरीज में होता है, हजारों बुक्स रखी रहती हैं, हजारों लोग डेली जाते हैं, डेली उनको कोई ना कोई कोई और पढ़ता रहता है, कभी कोई और आता है। तो इस तरीके से मास कम्युनिकेशन यानी कि बहुत सारे लोग उस इंफॉर्मेशन, उस जानकारी या फिर उस कम्युनिकेशन को कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही है प्रिंट मीडिया का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर प्रिंट मीडिया के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे टेम्पलेट्स हो गए, जैसे हमारे बैनर्स हो गए जो कि प्रिंट हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह आपको पोस्टर्स दिखाई देते हैं, तो वो जो पोस्टर है उसको कोई भी पढ़ सकता है, आते जाते उसको कोई भी वहां से देख सकता है या पढ़ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट मीडिया के अंदर काम होता है। प्रिंट मीडिया का सीधा सा और सरल मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रिंट किए हुए मटेरियल को या कम्युनिकेशन को पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये प्रिंट मीडिया क्या होती है। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए।